फाल्गुन का महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है, सबसे अच्छा मौसम होता है, सबसे अच्छा महीना होता है। 20 फरवरी बुधवार से फाल्गुन मास शुरू हुआ, बसंत ऋतु भी चल रही है, बागों में फूलों की बहार आ गई है, ठंड खत्म हो रही है, गुलाबी जाड़ा शुरू हो गया है। आपका मन प्रकृति का आनंद पाने के लिए मचल उठा है, फूलों की सुगंध और हरियाली से अपना जीवन संवारने का अच्छा मौका है। चाहे आप शादीशुदा हों या आप सच्चा प्यार पाना चाहते हों, शिव जी और गणेश जी का की पूजा पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी और गणेश जी का ही ये महीना माना जाता है, फाल्गुन का महीना। आगे हम बताएंगे कैसे माना जाता है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि आती है, आती है ना, हाँ, इसीलिए शिव जी का महीना माना जाता है। इसके अलावा बहुत बड़ी गणेश चतुर्थी भी आती है, जो विघ्न बाधाओं को दूर करती है। इनको अर्पित करने के लिए तरह तरह के सफ़ेद फूल, फल, बेलपत्र, बेलफल आता है। अच्छी सेहत, शत्रुओं का शमन, शीघ्र विवाह, ये सब का उपाय कर सकते हैं आप। तो क्या है उपाय? उपाय है, 4 मार्च को महाशिवरात्रि है, सोमवार को महाशिवरात्रि पड़ गई, इस बार अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा संयोग बन गया है। अभी 13 दिन तक लगातार शिव पूजा करें। अब 13 दिन रह गए शिवरात्रि को, पूजा करना शुरू कर दें। शिव मंदिर में शिव पार्वती की पूजा करके उनको दूध, जल, शहद से अभिषेक करें, नए फल फूल मंदिर में छोड़ करके आए, और शिव जी पर गुलाब के फूल को चढ़ाना बड़ा उत्तम रहेगा। शिव चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शिव जी आपके जीवन में सुख, शांति, सेहत, सब अच्छी सेहत, शत्रुओं का नाश करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा था, वो धार्मिक था और फाल्गुन मास में गणेश पूजा, गणेश जी का व्रत करता था। अब उसके 7 पुत्र थे, 7 बहुएं थी। अब ब्राह्मण फाल्गुन मास में गणेश जी की का व्रत करता 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 अब बूढ़ा हो गया है ना, तो जब वो पूजा करता था, व्रत करता था, तो पूरा परिवार सुखी रहता था। भाई ये फाल्गुन मास में गणेश जी की पूजा जो करते हैं, गणेश जी के नाम से जो व्रत करते हैं, उसका परिवार सुखी रहता है। अब क्या हुआ कि ब्राह्मण बूढ़ा हो गया, उसने बहुओं को बुला करके कहा कि तुम गणेश जी का व्रत रखो, सारी बहुओं को। किसी बहू ने नहीं रखा, सिर्फ छोटी बहू ने ही व्रत रखा। दूसरी बहुओं ने व्रत करने वाले विष्णु शर्मा को भोजन ही करा दिया।